शुरुआत हम करेंगे देश में जो शिखर सम्मेलन हो रहा है G20 का। इस सम्मेलन पर सभी की नजर है, पूरे विश्व की नजर जो है वो G20 शिखर सम्मेलन पर इस वक्त लगी हुई है। दिल्ली में भारत मंडपम से विश्व को एक बड़ा संदेश भारत देश ने दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। 77 मिनट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में कई समीकरण उन्होंने साधे हैं। पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज जो है वो दुनिया उसकी कायल इस वक्त हो चुकी है। G20 में शिरकत करने पहुंचे नेता ना सिर्फ हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए दिखाई दिए हैं बल्कि दुनिया को वन अर्थ का संदेश भी भारत देश ने दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पर जोर दिया। पीएम ने कहा पूरा विश्व नया समाधान मांग रहा है, आपसी भरोसे से कोई संकट नहीं टिकेगा, जो विश्वास का संकट है उसे मिलकर दूर करेंगे। पीएम ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मंत्र जो है वो पथ प्रदर्शक बना है। विदेशी मामलों के जो जानकार हैं उनकी माने तो आने वाले समय में भारत को कूटनीतिक तौर पर इसका जबरदस्त जो है वो लाभ यहां पर मिलने वाला है। इन अहम बिंदुओं पर चर्चा जो है वो की गई है। G20 लीडर समिट के डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। इस सम्मेलन में नई दिल्ली G20 साझा घोषणा पत्र को अपनाने की घोषणा की गई। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को 20% तक ले जाने का प्रस्ताव यहां पर दिया गया। शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ पर जो है वो फोकस किया गया। पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का जो है वो जिक्र किया गया। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस G20 शिखर सम्मेलन में जो है वो चर्चा हुई है। जानकारी ये मिली है कि प्रियंका गांधी यहां पर आ रही है और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि वो वर्षा से प्रभावित एरिया का जो है वो दौरा कर वहां के लोगों से मिलना चाहती हैं, तो कल वो उनका आने का एक कार्यक्रम यहां पर प्रस्तावित अभी बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना अपने परिवार के साथ गए हैं और आज उन्होंने डल झील में आस्था की डुबकी भी लगाई। मुख्य सचिव मणिमहेश यात्रा पे इस दौरान जो है वो गए हुए हैं और वहां पर यात्रा के दौरान आज वो डल झील पहुंचे, वहां पर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। उत्तर भारत की प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा है मणिमहेश यात्रा और ये यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है। डल झील में रोजाना श्रद्धालु वहां पर बड़ी संख्या में डुबकी लगा रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार श्रद्धालु कम पहुंचे हैं लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से लोगों को पता चल रहा है तो श्रद्धालुओं की संख्या यहां पर बढ़नी शुरू हो चुकी है। अब इन खबरों से हटकर बात करेंगे हम प्रदेश के कर्मचारी वर्ग की। तो कर्मचारी अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का जो है वो गठन हो गया है और कर्मचारी महासंघ की जो मान्यता है वो किसे मिलेगी इसको लेकर जो है वो चर्चा यहां पर शुरू हो चुकी है। आज कर्मचारी महासंघ का गठन हुआ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सभागार में। प्रदीप ठाकुर को महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। बड़ा जोश है कर्मचारी वर्ग में, खासकर उन कर्मचारियों में जो न्यू पेंशन स्कीम से अब ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ आ गए हैं। ओपीएस की एक लंबी लड़ाई प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में उनके नेतृत्व में यहां पर कर्मचारियों ने लड़ी और उसकी सफलता जो है वो अब अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ तक पहुंच चुकी है। तो महासंघ का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है, उनकी कार्यकारिणी चुन ली गई है। आज इसका ऐलान यहां पर कर दिया गया। प्रदेश भर से कर्मचारी जुटे थे और नए महासंघ का गठन यहां पर उन्होंने किया है। इसके लिए सभी ब्लॉकों में जिलों में कार्यकारिणी जो है वो यहां पर बना ली गई है। इससे पहले पूरे सभी जगहों पर चुनाव हो चुके हैं और आज राज्य कार्यकारिणी का चयन यहां पर किया गया है। तो प्रदीप ठाकुर को अध्यक्ष के पद पर चुना गया है। उन्होंने पहले एनपीएस कर्मचारियों का नेतृत्व किया है आपको हम बता दें और उनके इस नेतृत्व के चलते जो है वो कर्मचारियों में उनकी साख काफी ज्यादा यहां पर बढ़ी है। तो ओपीएस बहाली में अहम किरदार निभाने वाले प्रदीप ठाकुर अब महासंघ के अध्यक्ष बन चुके हैं और अब नए महासंघ का गठन हो गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार इस महासंघ को मान्यता देगी या फिर नहीं देगी। महासंघ की मान्यता को लेकर जो है यहां पर काफी ज्यादा इस वक्त जो है वो बात चल रही है लेकिन आज प्रदीप ठाकुर ने इसका ऐलान किया कि अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की जो मान्यता है सरकार जो है वो उन्हें ही देगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का पूरा आशीर्वाद उन पर बना हुआ है। ये बात उन्होंने कर्मचारियों के बीच में मीडिया के सामने कही और उन्होंने कहा कि सरकार की मान्यता उन्हें मिल चुकी है, ऐसा जो है वो माना जा रहा है। तो सरकार की मान्यता मिल चुकी है, ये ऐलान उन्होंने खुद ही कर दिया और अब सिर्फ काम शुरू करने की बात है। तो प्रदीप ठाकुर ने काम शुरू कर दिया है और उनके काम शुरू करने से पहले उन्होंने ये बात कही है कि जो कर्मचारी अभी छिटके हुए हैं यानी कोई इक्का दुक्का जो कर्मचारी संगठन है वो उनके साथ अभी नहीं जुड़ पाए हैं तो उन्हें भी साथ में जोड़ा जाएगा और सभी कर्मचारियों को साथ लेकर चलेंगे। इस बीच महासंघ के अध्यक्ष बनने पर प्रदीप ठाकुर ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब सरकार से कर्मचारियों के समस्त कर्मचारियों के मुद्दों पर जो है वो लड़ाई होगी। कर्मचारियों को डीए दिलाया जाएगा, उनको एरियर जो उनके वेतनमान का एरियर था वो भी दिलाया जाएगा। तो नए महासंघ के गठन के साथ कर्मचारियों की मांगों पर भी चर्चा शुरू हो गई जिनकी वित्तीय मांगे जो है वो काफी ज्यादा है। आपको बता दें अभी कर्मचारियों को डीए नहीं मिल पाया है, वेतनमान जो है वो कर्मचारियों का जो वेतनमान था उसका बकाया एरियर जो है वो अभी लिया जाना है। इसके अलावा जो कई पुराने भत्ते हैं वो सालों से जो है वो रिवाइज नहीं हुए हैं, उन भत्तों को रिवाइज करना है। जैसे एचआरए है उसको रिवाइज किया जाना है। तो इन मुद्दों को लेकर जो अब सरकार से कर्मचारी अपनी डिमांड्स उठाएंगे। तो प्रदीप ठाकुर ने ऐलान किया है कि वो अब इन मांगों के लिए कर्मचारी वर्ग के लिए जो है वो सीए की दो किस्तें जो है वो मिलनी है और तीसरी किस्त अभी ड्यू हो चुकी है। सरकार की आर्थिक हालत जो है वो ठीक नहीं है, इस पर कर्मचारियों को ये वित्तीय लाभ मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल सरकार भी इस मुद्दे पर जो है वो अभी मौन है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है
है कि कर्मचारियों की देनदारी है, लेकिन अभी आर्थिक स्थिति को सुधारना ही होगा। तो अन्य खबरों की बात करें तो वाहनों के साथ चालकों की भर्ती भी की जाएगी। सरकार 2 अक्टूबर को नई योजना शुरू करने जा रही है। ई टैक्सी के लिए सरकार उपदान जो है वो लोगों को देगी। 500 लोगों को पहले चरण में उपदान दिया जाएगा और इसमें एक बड़ी शर्त ये रखी जाएगी कि जिसे सरकार उपदान देगी ये वाहन खरीदने के लिए, ई टैक्सी लेने के लिए, उस व्यक्ति को ड्राइवर भी जो है वो साथ ही खुद ही लगना होगा, खुद वो गाड़ी चलाएगा, यानी वाहन मालिक ही वाहन का चालक भी होगा। और सभी विभागों से चालकों की रिक्वायरमेंट जो है वो सरकार ने ले ली है। तो शुरुआत में 500 लोगों को वाहन खरीद की सब्सिडी मिलेगी और इन 500 लोगों को जो है वो सरकार यहाँ पर रोजगार भी दे रही है। तो सरकार बेरोजगारी खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से है कि रोजगार भी मिलेगा और सरकार का काम भी इसमें चलेगा। और इसके साथ साथ सब्सिडी का भी कोई नुकसान जो है वो सरकार का नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारी किस्तें जो है वो इस योजना के तहत सरकार भरेगी, फिर खुद सरकार जो है वो किस्तें भरेगी, तो उस पैसे का भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा तो उस व्हीकल से जो है वो पर्यावरण को भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं रहेगा। तो ये बड़ी योजना है जो 2 अक्टूबर को यहां पर शुरू होने वाली है, जिसमें शुरुआत में 500 लोगों को जो है वो बड़ा ऋण भी मिलेगा, उनके पास गाड़ी भी आएगी और खुद वो ड्राइवर भी जो है वो सरकारी विभागों में लग सकेंगे। बात करेंगे करुणामूलक कर्मचारियों की, तो उनको लेकर एक शर्त है कि करुणामूलक कर्मचारियों को रेगुलर होने के लिए ओ या ए लेवल की परीक्षा जो है वो पास करनी अब जरूरी कर दी गई है। नाइलेट से 2 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर का ये लेना ही उनको होगा और डिप्लोमा ना होने की सूरत पर चतुर्थ श्रेणी में ही ये कर्मचारी रह जाएंगे। कर्मचारियों के एक संगठन ने सरकार से इस संबंध में छूट मांगी थी और अब करुणामूलक कर्मियों की प्रमोशन में जो है वो नई दिक्कत खड़ी हो गई है कि उन्हें नाइलेट से कंप्यूटर डिप्लोमा जो है वो जरूरी होगा, तभी उनकी प्रमोशन हो पाएगी, तभी उनको अगले जो यहाँ पर लाभ है वो यहाँ पर मिल सकेंगे। शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग के हर एक उपनिदेशक को एक स्कूल गोद लेने के निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने ऐसे आदेश जारी किए हैं कि जितने भी उपनिदेशक है शिक्षा विभाग के, वो हर जिला में एक स्कूल जो है वो गोद लेंगे। सरकार ने आदेश जारी किए हैं और आदर्श स्कूल की तर्ज पर जो है वो सरकारी स्कूल में भी सुविधाएं देने की एक बात कही गई है। सरकार हर डिप्टी डायरेक्टर का स्कूल जो है वो फिर खुद चेक करेगी। सरकार के आदेशों पर शिक्षा सचिव ने ये आदेश जारी किए हैं। स्कूल भवन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा। शिक्षकों और स्टाफ की कमी भी शिक्षा अधिकारियों को ही दूर करनी होगी। तो उच्च न्यायालय की हम बात कर रहे थे, तो हाईकोर्ट के अधिशासी अभियंता को आदेश जो है वो हाईकोर्ट ने दिए हैं कि प्रदेश अर्की के जो अधिशासी अभियंता है उन्हें जो है वो हाईकोर्ट से एक आदेश गए हैं कि जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता 2 पैरा पंप ऑपरेटर और 1 पैरा फिटर को जो है वो तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग देने के लिए उनको कहा गया है, उनकी ज्वाइनिंग लेने के लिए कहा गया है अधिकारी को। आपको बता दें ये बड़ा दिलचस्प मामला है। पूर्व की जो जयराम सरकार थी प्रदेश में, उसने पैरा पंप ऑपरेटर भरने की एक प्रक्रिया जो है वो शुरू की थी और कई जगहों पर इसके लिए जो है वो आवेदन भी ले लिए गए थे, लेकिन अर्की एक ऐसा डिवीजन था आईपीएच का जहां पर टेस्ट भी हो चुका था और वहां पर सिर्फ टेस्ट होने के बाद जो है वो उनको जो है जो वहां पर चयन किए गए थे लोग उनको रख भी दिया गया था, लेकिन बाद में सत्ता परिवर्तन हो गया और बीच में जो है वो चुनाव आचार संहिता लगी, उस दौरान उनको बाहर निकाल दिया गया। ऐसे में वो लोग जो है वो अदालत गए थे और अदालत से उनके हक में फैसला दिया गया है। तो न्यायाधीश संदीप शर्मा ने ज्ञानचंद सोहनलाल और पुलकित तनवर की याचिकाओं को मंजूर करते हुए ये निर्णय सुनाया है। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार 20 जुलाई 2022 को जल शक्ति विभाग उपमंडल अर्की में पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर के पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। उम्मीदवारों के आवेदन आने पर जल शक्ति विभाग ने इन पदों को भरने संबंधी जारी अधिसूचना के तहत परीक्षा संबंधी औपचारिकता पूरी कर ली थी। परिणाम घोषित होने के पश्चात तीनों प्रार्थियों को 13 अक्टूबर 2022 को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। प्रदेश में 14 अक्टूबर 2022 को विधानसभा चुनाव घोषित होने के कारण प्रार्थियों की ज्वाइनिंग जो है वो इस वक्त नहीं हो पाई। चुनाव समाप्त होने के बाद प्रार्थियों ने अधिशासी अभियंता अर्की से उनकी ज्वाइनिंग लेने बाबत जो है वो गुहार वहां पर लगाई थी, लेकिन जब बार बार आग्रह करने के बाद भी ऐसा नहीं हो सका, ज्वाइनिंग उनकी नहीं हो सकी, तो उन्होंने हाईकोर्ट में जो है वो मजबूरन ये मामला दायर कर दिया। तो अप्रैल 2003 में याचिकाएं जो है वो उनको दाखिल करनी पड़ी, जिसका फैसला उनके हक में आया है।